जिठानी भी मैं, देवरानी भी मैं। गुप्ता परिवार में आज बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि उनके घर में आज उनकी बड़ी बहू का गृह प्रवेश होने जा रहा है। सावित्री के बड़े बेटे की शादी यशिका के साथ हुई है, जिसके शुभ कदम आज इस घर में पड़ रहे हैं। आओ आओ यशिका बहू, ये चावल का कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। आओ बेटा। जी माँ जी। यशिका कलश गिराई रही थी कि तभी वो अपने सामने किसी को देखती है, जिसे देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अरे क्या हुआ यशिका, चलो बेटा कलश गिराओ चावल का। अरे योगेश तू आ गया, ले अपनी भाभी से मिल। यशिका ये तुम्हारा देवर योगेश, वीरेन का छोटा भाई। क्या? हाँ बहू, ये शादी के वक्त कंपनी के काम से शहर में नहीं था, इसलिए तुमने इसे देखा नहीं होगा। योगेश चल अब बीच से हट, अपनी भाभी को गृह प्रवेश करने दे। जी भैया, मैं बीच से हट जाता हूँ। यशिका और योगेश एक दूसरे को देखे जा रहे थे, और फिर उन्हें वो सब याद आ गया जो शायद वो भूल चुके थे। योगेश हैप्पी बर्थडे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुम ही हो यशिका। वाह क्या बात है, आज तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं जना। बात क्या है? अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्त से मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। पहले हम दोस्त बने, फिर हमें प्यार हुआ, और अब हमारी शादी होना बाकी है बस। हाँ इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ जिससे मैं तुम्हें एक अच्छा भविष्य दे सकूँ। हाँ लेकिन हमें 2 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए? नहीं यशिका, अभी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना करूँ, इसलिए बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। शादी के बाद हम सब संभाल लेंगे ना, और मुझे तुम्हारे पैसे नहीं तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी सब हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है यशिका, शादी के बाद काफ़ी खर्चे होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। मुझे अभी सेटल होने दो, बाद में हम शादी करेंगे ना। लेकिन मैं अपने घर वालों को कब तक रोक पाऊंगी योगेश, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? एक बार मैं सेटल हो जाऊं उसके बाद हम अपने घर वालों से भी बात कर लेंगे। देखो अभी तो मैं किसी से शादी की बात नहीं कर सकता। यशिका और योगेश कॉलेज में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और उसके बाद दोनों में प्यार हो गया था। पिछले 2 सालों से वो दोनों साथ थे, लेकिन अब यशिका के घर वाले उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। और कितना इंतज़ार करना है बेटा, तुम जब देखो हर रिश्ते के लिए ना कह देती हो, क्या बात है? तुम्हारी माँ सही कह रही है यशिका, जब भी हम तुम्हारी शादी की बात करते हैं तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती हो। अगर कोई बात है या लड़का है तो तुम हमें बता सकती हो बेटा, हमने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। कैसे बता दूँ इन्हें, योगेश ने अभी घर पर शादी के लिए बात करने से साफ साफ मना किया है। क्या सोच रही हो, क्या बात है, कोई लड़का है क्या? नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अभी नहीं करना चाहती हूँ ये भी कोई बात है क्या? अभी तुम 26 साल की हो गई हो। नहीं नहीं अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, अब बस हम तुम्हारे लिए लड़के देखने शुरू कर रहे हैं। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा घर देखा है, वहाँ तुम्हारी शादी की बात करने वाला हूँ, और इस बार मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना बेटा। देखो हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमारे भी तो कुछ अरमान हैं, हमारी भी तुम्हारी शादी को लेकर कुछ इच्छाएं हैं, इसलिए इस बार हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाले। इस बार यशिका के माता पिता ने उसकी एक बात नहीं सुनी, और उसकी शादी को लेकर वो काफ़ी गंभीर नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ योगेश अपनी कंपनी की तरफ से 3 महीनों के लिए बैंगलोर चला गया था, और वो यशिका के फ़ोन का सही से जवाब भी नहीं दे रहा था। योगेश तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो, इस बार मैं पापा को मना नहीं कर सकती हूँ, वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम प्लीज़ एक बार आकर उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? देखो मैं यहाँ बहुत ही ज़रूरी काम से आया हूँ यशिका, मैं नहीं आ सकता अभी, इस बार तुम संभालो, उनसे थोड़ा वक्त मांग लो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है, अब वो नहीं रुकने वाले। देखो अभी ना मुझे काम के लिए लेट हो रहा है, चलता हूँ मैं, तुमसे 3 महीने बाद मिलता हूँ, चलो बाय। पता नहीं 3 महीने बाद हम मिल भी पाएंगे कि नहीं। तुम अपने देवर योगेश से मिली ना बहू, और योगेश कैसी लगी तुम्हें यशिका? जी पापा बहुत अच्छी है, भैया और इनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। आओ बहू घर के अंदर चलो। जी।
ये किस्मत का ही खेल था जो योगेश और यशिका फिर से मिले, लेकिन अब पहले की तरह नहीं। यशिका अब योगेश के बड़े भाई की बीवी बन चुकी थी, लेकिन इस बात को योगेश और यशिका दोनों अभी तक अपना नहीं पा रहे थे। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। योगेश वीरेन का छोटा भाई है, हम दोनों एक ही छत के नीचे एक दूसरे के सामने कैसे रह पाएंगे। मैं कैसे सामना करूंगी इस नए रिश्ते का, और अगर इस घर में किसी को पता लग गया कि हम दोनों के बीच में क्या था तो क्या करूं मैं। अरे तुमने अभी तक ये भारी कपड़े उतारे नहीं, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। वीरेन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो। क्या आप मुझे कुछ वक्त दे सकते हैं। वक्त किस चीज़ के लिए, खुलकर कहो जो भी कहना है यशिका, डरो मत। क्या हम अभी पति पत्नी की तरह नहीं दोस्त की तरह रह सकते हैं इस कमरे में। मैं अभी इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। तुम्हें वक्त चाहिए हमारे रिश्ते के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर और कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो। नहीं नहीं, मैं बस अभी इस रिश्ते को इतना ही निभा सकती हूँ। क्या आप मेरे दोस्त बनकर रह सकते हैं। ठीक है, तुम जितना वक्त चाहती हो ले सकती हो, हम दोस्त बनकर भी रह सकते हैं इस कमरे में। थैंक यू, मैं सोफे पे सो जाती हूँ, आप बिस्तर पर सो जाइए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। यशिका ने अभी तक वीरेन और अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन वो एक बहू होने के सारे फर्ज अच्छे से निभा रही थी। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय और आपकी दवाई, आप रोज भूल जाती हैं। अरे बहू, भूलती तो पहले थी, अब तो तुम उसे याद से दे देती हो। सही कहा, जब से यशिका इस घर में आई है मैंने एक दवाई नहीं छोड़ी, क्योंकि ये याद से मुझे सब कुछ दे ही देती है। और तो और, ये मेरे घुटनों की इतने अच्छे से मालिश करती है कि मेरे घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया। क्या बातें चल रही है। अरे कुछ नहीं, बस तेरी बीवी की बातें चल रही है। यशिका, जब से इस घर में आई है ना बेटा, तब से मेरी तो सारी जिम्मेदारियां ही खत्म हो गई है। बस अब हमें योगेश की चिंता खाए जा रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। जब से बैंगलोर से आया है तब से अपने कमरे में ही रहता है, या तो फिर रात रात भर बाहर रहता है। वीरेन, तू उससे बात करके देख, कहीं कुछ परेशानी तो नहीं है। जी पापा, मैं बात करता हूँ। ये लो, ये रहा योगेश। योगेश जरा यहाँ आना। जी भैया। आ जा, साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं, आज यशिका ने समोसे बनाए हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे लेकिन समोसे तो तुझे बहुत पसंद है बेटा। जो चीज़ें पसंद होती है ज़रूरी नहीं कि वो उम्र भर आपका साथ दे, इसलिए मैंने छोड़ दिया है अपनी पसंद को। योगेश, कोई बात है क्या बेटा जो तुझे अंदर अंदर खाए जा रही है। हाँ भाई, जब से तू बैंगलोर से आया है तब से ना तो बाहर आता है अपने कमरे से, ना हंसता है, हो क्या गया है तुझे। कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ दूँ। क्या, लेकिन क्यों, तूने इतनी मेहनत की इस जगह पर पहुँचने के लिए और आज जब इतना ऊपर पहुँच ही गया है तो जॉब छोड़ने की बात कर रहा है। कभी कभी सोचता हूँ कि किस लिए कर रहा था ये सारी मेहनत, किसके लिए। अब कोई कारण ही नहीं है कि जिसके लिए मैं मेहनत करूँ, सेटल हूँ। योगेश मेरी बात सुन। पर योगेश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसकी इस हरकत से और बातों से उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर योगेश ये सब कर क्यों रहा है। अरे इससे क्या हो गया भाई। अरे पता नहीं, अजीब सी बातें कर रहा है, दोस्तों के साथ रात रात भर बाहर रहता है और अब नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। पिछले 2 साल से तो मुझे आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, सेटल होना है, ऐसी बातें करता था, अब क्या हो गया इसे। योगेश की हालत को देखकर यशिका भी काफ़ी दुखी थी। वो योगेश से बात करना चाहती थी, इसलिए जब रात को सब लोग सो गए तो वो योगेश के घर आने का इंतज़ार करने लगी। योगेश सुनो ना। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों कर रहे हो ये सब। मैं जो भी करूँ अब तुम्हें क्या, तुमने तो शादी कर ली ना, वो भी मेरे बड़े भाई से। अब जिंदगी भर तुम मेरे सामने रहोगी मेरे भाई की पत्नी बनकर। मुझे नहीं पता था कि वीरेन तुम्हारा भाई है। मैंने माँ पापा को बहुत समझाया लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने तुमसे कितना कहा कि एक बार बात कर लो,
लेकिन तुमने भी मेरी नहीं सुनी। मैं बैंगलोर हमारे लिए गया था यशिका, मैं वहां से लौटकर हमारी शादी की बात करने ही वाला था, लेकिन मुझे क्या पता था यहां आकर मुझे कुछ और ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, तुम भी आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। अच्छा तुम आगे बढ़ गई हो, मैंने देखा है तुम सोफे पे सोती हो और भाई बिस्तर पर, तुम आज भी मुझसे ही प्यार करती हो है ना? योगेश चुप करो, ऐसी बातें मत करो। ठीक है तो तुम्हें भी मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। योगेश इतना सब कहकर चला जाता है, लेकिन योगेश और यशिका की बातें सावित्री सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है यशिका पर। वो यशिका के सामने आ जाती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की होगी, मेरे दोनों बेटों की जिंदगी खराब कर दी तूने। नहीं माँ जी, मुझे सच में नहीं पता था कि वीरेन और योगेश भाई है। मुझे तेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है, मैं साफ साफ कह देती हूँ कि योगेश से दूर रहना, और अगर वीरेन को इस बात का पता चला तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सावित्री का प्यार अब नफरत में बदल गया था, जिस वजह से अब वो यशिका पर अत्याचार करने लगी थी। उसने घर से कामवाली को निकाल दिया और सारा काम अब यशिका से करवाने लगी थी, और यशिका भी चुपचाप उसकी बात मान रही थी, यही सोचकर कि उसकी वजह से इस परिवार की खुशियों को नजर लगी है। अभी तक ये कपड़े धुले नहीं, ये ले और कपड़े, और हाथ को थोड़ा जल्दी चला, बाकी काम भी पड़े हैं। जी माँ जी। सावित्री अब यशिका से घर का सारा काम करवाती, और बदले की आग में वो अब इंसानियत भी भूलने लगी थी। अभी तक रसोई को साफ नहीं किया? नहीं माँ जी, बस कर ही रही थी, मैं खाना खा लूँ। कोई जरूरत नहीं है खाना खाने की, पहले रसोई साफ कर, ये बर्तन साफ कर, और जल्दी कर, जब से इस घर में आई है बस खाना पीना सोना चाहिए, पता नहीं कहाँ से ले आए हैं इसे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जल्दी कर, अब मेरा मुंह मत देख। जी माँ जी। यशिका ने वीरेन से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन योगेश अपनी माँ को यशिका के ऊपर अत्याचार करते हुए देख चुका था, उससे यशिका की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। पूरा आंगन अच्छे से साफ कर, ये क्या धीरे धीरे हाथ चला रही है? माँ इतनी धूप है और इतनी धूप में तुम यशिका से आंगन साफ करवा रही हो, उसकी हालत तो देखो गर्मी के कारण कैसी हो गई है। जितने दुख उसने तुझे दिए है ना, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। माँ उसने कुछ नहीं किया, आप उसे कसूरवार क्यों समझ रही हैं? अरे चुप कर तू, इसकी फितरत मैं अच्छे से समझ रही हूं, ये जिठानी और देवरानी दोनों बनना चाहती है। जिठानी देवरानी दोनों बनना चाहती है, इसका मतलब क्या हुआ माँ? अरे ये लड़की जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं, इसने योगेश को फंसाया था शादी के पहले, फिर तुझसे शादी कर ली, ये जो योगेश की हालत है ना ये सब इसकी वजह से है। प्लीज माँ जी, मुझ पर ऐसा आरोप मत लगाइए प्लीज। बस माँ, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा यशिका के खिलाफ। यह सच है कि यशिका और मैं एक दूसरे से 2 साल से प्यार करते थे, और यशिका ने तो कई बार मुझसे शादी की बात करने को कहा था, लेकिन मैं ही उससे कहता रहा कि मुझे अभी सेटल होना है। उसने बहुत कोशिश की अपने माता पिता को समझाने की, लेकिन मैं ही वक्त पर वहां नहीं जा पाया, और उसे तो पता भी नहीं था कि वीरेन मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए यशिका को कसूरवार कहना बंद करिए। वीरेन मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने कहा था कि आपको कुछ पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं चुप रही। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि योगेश की जिंदगी तुम्हारे जाने के बाद बिखर सी गई, और यशिका भी अपनी नई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए आज मैं एक फैसला लेता हूँ, मैं यशिका का हाथ योगेश के हाथ में देता हूँ। वीरेन लेकिन बेटा तू, तेरा क्या होगा फिर? माँ ऐसे रिश्ते में मैं कभी खुश नहीं रह सकता जहां यशिका का दिल किसी और के लिए फिक्रमंद हो, इससे तो हम 3 जिंदगियां बर्बाद कर देंगे, इसलिए यशिका की शादी हम योगेश से करवाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए वीरेन। तुम दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम दोनों एक साथ खुश रहो, यही मेरी इच्छा और दुआ भी है। शांति और मीना दो जुड़वा बहनें थी, दिखने में एक सी, दोनों के बीच बहुत प्यार था, दोनों हर बात को शेयर करती। एक रोज शांति कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में उसे रवि मिलता है। हाय शांति, कैसी हो तुम? इस नीले रंग के सूट में बहुत प्यारी लग रही हो, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। शांति को भी रवि अच्छा लगता था, वो उसके साथ घूमने चली जाती है। शाम को वो मीना को सारी बात बताती है। अरे वाह शांति, क्या बात है, लड़का अच्छा है तो तुम्हारे मम्मी पापा भी मना नहीं करेंगे,
अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मीना बाजार जाती है जहाँ उसे रवि मिलता है। अरे शांति, कहाँ जा रही हो? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मार्केट में आ रही हो। मीना का मन करता है कि वो रवि से मजाक करे। हाँ वो क्या है ना, अचानक से आना हुआ इसलिए। अच्छा तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं घर के लिए मिठाई लेने आया था। और वो लड़की जो तुम्हारे साथ है वो कौन है? मेरे साथ? वो मेरी सहेली, नहीं नहीं मेरी बहन है। अच्छा चलता हूँ, फिर बात करेंगे। मीना को रवि का व्यवहार ठीक नहीं लगता। वो घर आकर शांति को सारी बात बता देती है। नहीं नहीं मीना, तुझे गलत फहमी हुई होगी, वो ऐसा नहीं है। खैर छोड़ कोई बात नहीं, तू मेरी बहन है, मेरा भला ही सोचती है। बात आई गई हो जाती है। शांति अब रवि से घर में शादी की बात करने की जिद करती है। अब हाँ हाँ, मेरा ना बस एक बिजनेस का काम बाकी है, वो जैसे ही ठीक बैठ जाता है मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, घर में रिश्ते आ रहे हैं तो मैंने सोचा, पर अब मैं मना कर देती हूँ, पापा को कह दूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी। अगले रोज। बेटा शांति, वैसे तो तुम दोनों जुड़वाई ही हो, लेकिन फिर भी तू बड़ी है, मैंने तेरी शादी के लिए 2-3 लड़के देखे हैं, तू मिल ले, जो ठीक लगे उससे तेरी शादी करवा देंगे। पापा आप पहले मीना की शादी कर दीजिए ना, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। जैसी तेरी मर्जी, लेकिन जल्द ही मैं तेरी भी शादी करवा दूंगा, समझी? शांति पापा की बात मान जाती है और अमर से मीना की शादी हो जाती है, शादी के 1 साल बाद। अरे शांति क्या बात है बेटा, जितने रिश्ते दिखाओ तुम मना ही कर देती हो। पापा वो मेरा ये एमए पूरा हो जाए फिर मैं शादी कर लूंगी। शांति रवि को फोन करके पापा की बात बताती है। अब तो रवि शांति से गलत लहजे में बात करना शुरू कर देता है। क्या शांति यार, ये शादी शादी लगा रखा है तुम्हारे पापा ने, ये तो सोचो कि जब मैं सेटल ही नहीं होऊंगा तो कैसे तुम्हें पालूंगा। देखो आज के बाद ना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। शांति रवि की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो उससे मिलने उसके घर जाती है जहाँ कोई औरत दरवाजा खोलती है। नमस्ते, मैं रवि की दोस्त हूँ शांति, उसने मेरे बारे में घर पर बताया ही होगा। दरअसल ना हम लोगों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई है, मैं उससे माफी मांगने आई हूँ। औरत शांति को देखकर भड़क जाती है। कैसी बात कर रही हो, ये तो सो रहे हैं और इन्होंने तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। दरवाजे पर आवाज सुनकर रवि बाहर आता है। सामने खड़ी शांति को देखकर वो दंग रह जाता है। अरे रवि क्यों जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हो, मैं माँ पापा से बात करती हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। ये क्या बोल रही है रवि, कौन है ये? रवि ये कौन है? ये मेरी बीवी है और मैं किसी शांति को नहीं जानता, शादी तो दूर की बात, अभी 2 महीने पहले ही मेरी शादी रीना से हुई है, प्लीज यहाँ से जाओ, तमाशा मत करो। शांति को तो मानो पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। ओ सॉरी, तो वो ये रवि नहीं है, मुझसे गलती हो गई। शांति वहां से चली जाती है, एक मंदिर में बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी बहन मीना वहां जाती है। क्या हो गया शांति, तुम क्यों रो रही हो? शांति मीना को सारी बात बता देती है। मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़का ठीक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलते हैं। मीना और शांति दोनों घर की तरफ जा रहे थे कि उन्हें रवि फिर एक लड़की के साथ दिखाई देता है। देखो शांति, वो फिर किसी और को घुमा रहा है। जाने दो ना मीना, हम लोगों को क्या करना है, हमारे सामने सच्चाई आ गई है। नहीं शांति ये गलत है, ऐसे वो हर लड़की को परेशान नहीं कर सकता, हम लोगों को उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। देख ले मीना, तुझे जो करना है कर, माँ पापा का नाम बीच में नहीं आना चाहिए, मैं घर जा रही हूँ, वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शांति घर चली जाती है, लेकिन मीना रवि का पीछा करती है और फिर रवि के जाने के बाद उस लड़की से कहती है, सुनो मेरा नाम मीना है, तुम इस लड़की को कैसे जानती हो? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोग शादी करने वाले हैं। मीना को ये सुनकर हैरानी होती है। अरे लेकिन वो तो पहले ही शादीशुदा है। अरे नहीं नहीं, उसकी शादी नहीं हुई है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मीना उस लड़की को सारी बात बता देती है, जिसे जानने के बाद। हाँ वैसे मैंने आपकी शक्ल की लड़की के साथ रवि को देखा तो था,
लेकिन रवि ने बताया कि वो उसकी बहन है। हम लोगों को रवि को ऐसा करने से रोकना ही होगा, नहीं तो वो न जाने कितनी लड़कियों का दिल दुखाएगा। मेरी बहन तो संभल गई, लेकिन हर लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती है। जी आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। तो क्या करें हम? मीना उस लड़की के साथ बैठकर सारा प्लान बनाती है और वो लोग रवि का पीछा करते हैं। फिर एक रोज मीना रवि के घर जाकर बेल बजाती है, जहाँ उसकी बीवी दरवाजा खोलती है। हम रवि के बारे में बात करने आए हैं। अरे क्या मजाक लगा रखा है, कल आपसे उन्होंने बोला था ना कि वो आपको नहीं जानते, आपने भी तो यही कहा था। जी वो मैं नहीं, मेरी बहन थी। खैर आप ये जानती हैं रवि कहाँ है? वो अपनी ऑफिस में है। नहीं वो ऑफिस में नहीं, बल्कि किसी लड़की के साथ है। विश्वास नहीं है तो हम लोगों के साथ चलिए। बीवी पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में जाने के लिए हाँ कर देती है। सब उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रवि एक और नई लड़की के साथ बैठा होता है। रवि इसे जानते हो? सामने उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड थी। अरे समीरा तुम? पास बैठी लड़की। कौन समीरा, कौन है ये रवि? ये मेरी दोस्त है। लेकिन शांति तुमको कैसे पता समीरा के बारे में? तभी वहाँ रवि की बीवी आ जाती है। इस शांति को तुम पहचानते नहीं थे ना कल तक? तो वैसे मैं शांति नहीं, उसकी बहन मीना हूँ। रवि, मीना ने सही उम्र में शादी से इनकार कर दिया क्योंकि तुमने उसे अंधेरे में रखा। पिताजी परेशान रहते हैं कि घर में जवान लड़की बैठी है जो शादी ही नहीं करना चाहती। मैंने भी इस रवि के लिए अपनी अच्छी खासी पढ़ाई छोड़ दी, ये मुझे कॉलेज जाने से मना करता था। मैं तो इसके लिए अपनी बारात ही छोड़कर भाग गई थी, माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, अब दर दर भटक रही हूँ इसकी वजह से। बस फिर क्या था, एक एक कर रवि की सभी लड़कियाँ अच्छी से धुलाई कर देती है।